हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमें अभी बैंक जाना है, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ माँ का पेंशन उठाने जाना है। तो मास्क ले लेती हूँ। चलती तो मैंने मास्क भी ले लिया और अभी फोन लेके निकल रही हूँ। तो चलिए, मेरा हो गया। तो मम्मी पहले ही नीचे चली गई है और मैं अभी जा रही हूँ। तो मुझे रेडी होने में थोड़ा लेट होता है, मम्मी का जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मम्मी नीचे चली गई है आगे और मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं अभी नीचे आ गई हूँ और हम एक रिक्शा ले लेंगे, रिक्शा से ही जाएंगे। वो देखिए मम्मी जा रही है। तो पार्क में आप देखिए कुछ लोग बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। हमें अभी एक टमटम मिल गया है, तो रिक्शा से नहीं जा रहे, हम टमटम से ही जा रहे हैं। तो रिक्शा से अच्छा है टमटम में बैठना, लेकिन अकेले अच्छा लगता है, कोई ना हो, सिर्फ हम ही अम्मा और मैं हूँ। तो हम बैंक पहुँच गए हैं यहाँ पे उतरी में। तो हम बैंक पहुंच गए हैं और आज हमें यहाँ चेक फिलअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने घर से ही फिलअप करके आए हैं। तो अभी लाइन पे लग जाएंगे पैसे लेने के लिए चेक करने का। तो लाइन पे तो ज़्यादा लोग नहीं है, एक ही अंकल है, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही हमें पैसा मिल जाएगा। तो अभी हमारा काम ख़त्म हो गया और हम फिर वापस निकल रहे हैं बैंक से। तो हम बैंक से निकल रहे थे तभी कॉल आया कि डिलीवरी हमारे घर आया था, लेकिन हम तो बैंक में आ गए। तो हमने उसको यहाँ पे बुला लिया कि यहाँ आ जाए। तो हम इसी टाइम इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कहा था उसको कि कल आ जाना, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं और मम्मी यहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पार्सल इम्पोर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि उस पार्सल में मम्मी के लिए कुछ मैंने गिफ्ट मंगवाया था, सामान मंगवाया था, उनकी ज़रूरत तक सामान था। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो अचानक देखा एक हाथी आ रहा है। आप लोग भी देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हाथी देखना और बहुत पसंद है एलिफेंट।
ही चला गया है। और कितना इंतज़ार करो, अच्छा नहीं लग रहा, भूख भी लग रहा है। सोच रही हूँ चली जाओ, उसको वहाँ पे घर पर ही बुला लूँगी अगर फ़ोन किया तो। तो हम तो इतने टाइम वेट किया डिलीवरी बॉय का, लेकिन वो आया ही नहीं, तो इसलिए हम एक रिक्शा लेकर घर जा रहे हैं। उसको फ़ोन करके बोल देंगे कि कल आने के या बाद में आने, क्योंकि बहुत इंतज़ार किया, वो आया ही नहीं, कम से कम एक घंटा इंतज़ार किया। और हमें इतना भूख लगा है, सुबह हमने सिर्फ नाश्ता करके निकले थे, तो अभी बहुत भूख लग गया है। और नाश्ता भी आज का बहुत ही हल्का था। गाइस, आज का ब्लॉग में इतना कुछ ख़ास नहीं था, तो आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। और हाँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि मेरी ब्लॉग अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।